राजेंद्र नगर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट मैच सट्टा खा रहे चार सटोरियों को एक फ्लैट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को इनके पास से 16 मोबाइल, 70,000 नगद, लाखों का हिसाब किताब सहित टीवी और अन्य उपकरण मिले हैं। आरोपियों में एक रतलाम और एक उड़ीसा का युवक भी शामिल है। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिव सागर कॉलोनी के एक फ्लैट पर आईपीएल के सट्टा चल रहा है। वहीं राजेंद्र नगर और क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच का सट्टा कर रहे पांच सटोरियों को पकड़ा है। आरोपी ने कुछ समय पहले ही फ्लैट किराए पर लिया था। पकड़ाए आरोपियों में से तीन इंदौर के, एक रतलाम और एक उड़ीसा का रहने वाला है। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है और सट्टा कारोबार में कौन कौन लोग शामिल है उसकी तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच और थाना राजेंद्र नगर ने शिव सागर कॉलोनी से आज आईपीएल का सट्टा खेलते हुए लोगों को पकड़ा है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे करीब 17-18 मोबाइल जब्त किए हैं और इनसे वहाँ पर लगा हुआ है टीवी जिसमें ये मैच देख रहे थे और इससे ही सट्टे चला रहे थे। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं? इसमें मोबाइल्स बरामद हुआ है, वहाँ मॉडेम लगा हुआ था जिससे इंटरनेट हाई चल रहा था, टीवी वहाँ से बरामद हुई है, बाकी इनके जितने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, इनके लैपटॉप हैं और इनके जो हिसाब लिखी हुई पर्ची हैं। ये इसमें से 4 लोग तो बेसिकली इंदौर के हैं, एक रतलाम का है और एक उड़ीसा से। ये जो है फ्लैट अभी जो है, जब प्रथम दृष्टया देखने पर ये पता चला है कि ये किराए के फ्लैट में एक 2 BHK फ्लैट लेकर वहाँ रह रहे थे। इससे अब मकान मालिक से पूछताछ की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि मकान मालिक ने इन किराएदारों की सूचना दी है कि नहीं दी है, मकान मालिक जो है उसको इन्होंने क्या बता के उसको रेंट पर लिया है, ये सारा विवेचना की जाएगी। बड़ी मात्रा में हिसाब जी, इसमें 75,000 रुपये जब्त हुए हैं।